वेल दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम एसके एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इन केस अगर आपका भी फादर नेम अपडेट नहीं है यूएन पोर्टल पर, तो आपको जो है क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या आपको लॉस हो सकता है अगर इन केस आपका फादर नेम अपडेट नहीं है यूएन पोर्टल पर। अगर इन केस रॉन्ग फादर नेम अपडेट है तो उसका भी सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। यानी इस वीडियो में आपको 3 से 4 सॉल्यूशन मिलने वाला है। फर्स्ट, अगर आपका फादर नेम अपडेट नहीं है तो आप क्या करें। सेकंड, अगर आपका फादर नेम अपडेट नहीं है तो आपको क्या लॉस हो सकता है। थर्ड, आपका अगर फादर नेम इनकरेक्ट अपडेट है, रॉन्ग अपडेट है, तो उसे आप कैसे करेक्शन कराएं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लॉगिन करते हैं, जैसे कि ईपीएफ पोर्टल पर, ओके, और आप लॉगिन करने के बाद जब आप यहाँ पे जाते हैं ऑनलाइन सर्विस में, सेकेंड ऑप्शन पे वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे, तो ऐसा आपको इंटरफेस शो करता है। अब आप यहाँ पे देखिए, जो मेरे क्लाइंट हैं, ओके, इनका जो है फादर नेम अपडेट नहीं है, ना रिलेशनशिप भी अपडेट है, ओके। तो यहाँ पे आप जैसे कि रीड कर रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा है फादर स्लैश स्पाउस नेम, ओके, जिसके आगे लिखा है डैश। बाकी सब में जो प्रॉपर डिटेल्स लिखी है, इनका मेंबर नेम, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, पीएफ अकाउंट हेल्ड बाय, सब लिखा हुआ है। लेकिन इनका अगर हम देखेंगे फादर स्लैश स्पाउस नेम के आगे लिखा है डैश, रिलेशनशिप के आगे भी डैश लिखा हुआ है। तो अब हम करें तो क्या करें अगर ऐसा भी हमारा दिखाई दे रहा है, ओके, इस वजह से क्या लॉस हो सकता है वो भी आप ज़रा से देख लीजिए। अगर इनकेस अगर आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम, ओके, अपडेट नहीं है यूएन पोर्टल पे, तो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब जब आप क्लेम ही नहीं कर पाएंगे तो आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे, ओके, जो भी आपका पैसा रहेगा वो आपके पीएफ पासबुक में रहेगा, बट वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका फादर नेम अपडेट ही नहीं है यूएन पोर्टल पर। सेकेंड, जो सबसे बड़ा लॉस आता है कि ऑनलाइन क्लेम ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस। मतलब होता है कि अगर जैसे आपने कोई दो कंपनी में काम किया तो आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपको पुरानी कंपनी का निकालना है, फॉर एग्जांपल आपने एबीसी एक्सवाईजेड कंपनी में काम किया है, ओके, आपको एबीसी का अमाउंट चाहिए, अभी आप फिलहाल एक्सवाईजेड में हैं, अगर आपका फादर नेम अपडेट नहीं है तो इन दिस केस आप फादर नेम अपडेट अगर नहीं है तो आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं। तो यानी काफ़ी बड़ा नुकसान होता है फादर नेम अपडेट होना और उसके साथ रिलेशनशिप डिटेल्स मिस है आपका। अगर मतलब ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला आपका फादर नेम या कोई भी हो आपके हस्बैंड नेम या फादर नेम अपडेट होना चाहिए, उसके आगे रिलेशनशिप भी लिखा होना चाहिए कि ये मेरा फादर है या मेरे हस्बैंड है, ओके, तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपका सॉल्यूशन ये है कि आपको कंपनी में कॉन्टैक्ट करना होगा। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं, मैंने कुछ वीडियो देखा हूँ यूट्यूब पर, ओके, कुछ कंसल्टेंट से भी मैंने बात की हूँ, कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं इस केस में आपको आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा और आपको सबमिट करना होगा रिस्पेक्टिव पीएफ ऑफिस में। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पीएफ अकाउंट हेल्ड बाय में आपके लिखा रहेगा, या बांद्रा हो सकता है, कांदीवली हो सकता है, कोई भी हो के पीएफ ऑफिस जहाँ पे आपका मैनेज हो रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आपका जो है मतलब आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कीजिए, कंपनी की सिग्नेचर लीजिए, जाइए पीएफ ऑफिस में सबमिट कीजिए, बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट सॉल्यूशन। द करेक्ट सॉल्यूशन इज, यहाँ पे क्या करेक्ट सॉल्यूशन है, इन दिस केस यू हैव टू कॉन्टैक्ट विथ कंपनी, ओके, इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्टिंग विथ पीएफ ऑफिस, दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इन दिस केस यू हैव टू कॉन्टैक्ट विथ कंपनी, ओके, उनको कहिए कि मेरा फादर नेम आप अपडेट कीजिए, वो अपडेट कर देंगे, कंपनी अपने इनसे करेगी, अपडेट हो जाएगा। इसमें इतना अच्छा है कि आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल नहीं करना होता है, ना कंपनी के सिग्नेचर, ना आपको डॉक्यूमेंट जाके खुद पर्सनली सबमिट करना होता है या कुरियर करना होता है, कोई भी लफड़े में नहीं पड़ना होता, सिंपल, ओके, सिंपल बात है। अगर आपका फादर नेम अगर डैश है या रिलेशनशिप डैश है तो आपको सिर्फ कंपनी में कॉन्टैक्ट करना है, कंपनी करके दे देगी अपडेट, ओके। इसके लिए ये इतना अच्छा है कि आपको कहीं पर कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पीएफ ऑफिस में, आपको सिंपली कंपनी में कॉन्टैक्ट करना। हाँ, लेकिन अगर आपका इनकरेक्ट नेम अपडेट है, जैसे किसी फादर का नाम लिखा हुआ है, ओके, सुरेश कुमार, ओके, और अगर वहाँ पे लिख दिया गया है सिर्फ सुरेश, ओके, या दिनेश,
ओके या राकेश या कुछ भी लिख दिया गलत उनका फादर नेम, तो उस केस में आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। अगर आपको जानना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आपको आई बटन लिंक पे दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा, आप जाके देखना है कि कैसे फादर नेम को ठीक करते हैं। लेकिन अगर आपका फादर नेम अपडेट नहीं है तो इस केस में सिर्फ आपको कंपनी से ही बात करना था, कंपनी खुद अपडेट करेगी फादर नेम और खुद क्लेम करेंगे। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी लोगों का कराया है, सिर्फ कंपनी में कॉन्टैक्ट करो, मेल करो या कॉन्टैक्ट करके बोल दो काइंडली अपडेट माई फादर नेम ऑन यूएन पोर्टल। वंस दे विल अपडेट योर फादर नेम ऑन यूएन पोर्टल, फिर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं क्लेम और उसके बाद आपको अमाउंट आ जाएगा। तो काफ़ी ईजी है ना गाइस, ओके। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिलेटेड टू पीएफ ओके और पेंशन, तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।